Wow, 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 what a masterpiece. Subhanallah. और अगर मैं ये कहूं कि कराची मेंट्री के व्यूअर्स आप तमाम लोगों से कहीं ज्यादा मुझको इश्तियाक था यहां आने का और आपको लाने का, तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज का प्रोग्राम दो किस्तों पे मुश्तमिल है और डेफिनेटली इतनी खूबसूरत मास्टरपीस को, एक जबरदस्त माहपारे को कवर करने के लिए, यानी कि आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी तफसीलात एक एपिसोड ना काफी है। इसलिए आज हम इसके बैरूनी खतखाल, इसकी तारीख और ये नाव की शक्ल में जिस तरह बहता हुआ आज तक, यानी कि 2016 तक आया है, वो आप तक पहुंचाएंगे और अगली एपिसोड में लेके जाएंगे आपको इसके अंदर। इसकी कहानी बहुत डिफरेंट है, बड़ी अजीब है और किसी भी एक ऐसी इमारत की तरह जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता कभी, और कभी फिर बहुत सारे होते हैं, और कभी कोई इसको अपना समझ लेता है और कभी इसको गैर कर देता है, ऐसी ही है। और जिस इर्तका से गुजर के यहाँ तक पहुँची है, खूबसूरत बात यह है, और सलाम उन लोगों को जिन्होंने इसको ऐसा किया कि ये आज तक बेहतरीन हालत में मौजूद है। ना सिर्फ ये कि ये इस तरह मौजूद है, इस गेट से एंटर होने के बाद यकीन कीजिए बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप 1927 की किसी दहाई में खड़े। हजारों हकायक के साथ और बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स जो आप लोगों को नहीं पता के साथ शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जिसका नाम है कराची मेंट्री एट द महारा पैलेस। पानी, वाओ, पानी दुनिया में जितना है उतना ही आपके जिस्म में भी है। बड़ी हकीकत है पानी की, और पानी पे ही हजारों जंगे हुई हैं, और पानी ही वो चीज है जिसके लिए बहुत कुछ इंसान ने बदल दिया। कहीं किसी के करीब था पानी, कहीं किसी से दूर। बहरहाल, लंबी बातों में जाने से पहले ये बता दूं आपको कि ये खूबसूरत पानी जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं, इस पानी की खास बात यह है कि ये 1927 से जारी हुआ हुआ पानी है और आज तक जारी है। आपके सामने कई बार रिपेयर से गुजरा होगा। दोस्तों, पानी कराची की पहचान इसलिए है क्योंकि पानी हमारे समंदर के अंदर इतना है और इतना ज्यादा है और इतनी एंटरटेनमेंट के लिए है कि पूरे मुल्क से लोग यहां साहिल समंदर पे आते हैं। सी व्यू बड़ा मशहूर साहिल है और इस साहिल के पास जरा दूसरी जानब बड़ी जबरदस्त और खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ी जगह, मोतबर तरीन जगह, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार है, रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे हमने शो किया था, आपने देखा था। मेरे हिसाब से इस पूरे खत्ते के बानी, गवर्नर, प्रेसिडेंट, मालिक हजरत है। यही वजह है कि कई बार ये बात आपके कानों से गुजरी होगी कि साले समंदर से कोई साइक्लोन टकराने वाला है और फलाना होने वाला है और ये होने वाला है और तबाही और बर्बादी होने वाली है, मगर आज तक कभी इस साहिल को पानी ने नहीं छुआ गुस्से में। वैसे तो पानी ही पानी है यहाँ पर, और इस पानी को देखने के लिए जो जो लोग आते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ कि जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ की दूसरी जगहों को भी गौर से देखते हैं, और उनमें से एक जगह ये है जहां मैं आपको ले आया हूँ, महाटा पैलेस। ये बड़े बचपन की बात है मेरे कि मैं भी यहाँ से गुजरते वक्त अपने वालिद से और घर वालों से अक्सर पूछता था कि ये क्या जगह है डैडी, क्या ये ताजमहल है? और वो सवाल जो 6-8 साल का बच्चा उस दौर में करता था, उस जैसे हजारों लाखों बच्चे आज भी ये सवाल करते हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों को, अपने छोटों को करीब बुला लीजिए, क्योंकि कराची मेंट्री मैं उन सब बच्चों के लिए भी करता हूं जो जानना चाहते हैं कि ये प्लेस, ये जगह जहां हम पैदा हुए या जहां हम आए हैं कहीं से या जहां हम रहते हैं, इसमें कितनी खूबसूरत हीरे और जवाहरात के मानिंद नवादर छुपे हुए हैं। और दोस्तों, ये महारा पैलेस ऐसा ही एक जबरदस्त खूबसूरत नगीना है। आइए स्ट्रेंजर, जी मेरे लोगों, कराची मेंट्री का जो खुलासा है, यानी कि जो हमारे प्रोग्राम का कंटेंट है,
یعنی کہ عمارتوں کے خط خال کے بارے میں اور ان کی حقیقت کے بارے میں اور وہ کتنی پرانی ہیں ان کے بارے میں میں کیا بتاتا ہوں. اس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایکچولی موہاتا پیلس کون ہے اور کیا ہے. کون ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس عمارت نے ایک لمبی زندگی گزاری ہے اور آج تک موجود ہے, تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ انوالو ہیں, پرسنالٹیز انوالو ہیں جو کہ اس کے اس پورے ارتقاء میں شامل ہیں. یہ عمارت بیسیکلی مسلمانوں میں سے آئے ہوئے سب سے پہلے آرکیٹیکٹ اس دور میں, یعنی کہ 1920 کی دہائی میں, یعنی کہ 1927 سے پہلے ایک آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کی جن کا نام تھا آغا احمد حسن, اور کیا خوب بنائی ہے. مگر اس کے بارے میں بھی ایک بات ہے جو میں آپ کو جب اس کے خد و خال کے بارے میں بات کرنا شروع کروں گا تب بتاؤں گا کہ صرف ایک آرکیٹیکٹ اور ایک وہ ڈیزائنر جسے ویژولائز کیا ہو ایک پکچر ایک پورٹریٹ, صرف وہی نہیں ہوتا جو اس میں رنگ بھرتا ہے, اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, کچھ ایسے مشیر جو ایڈوائزر ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ یوں نہیں یوں کر لیا جائے, یوں نہیں یوں کر لیا جائے. ان کے علاوہ کچھ غریب ایسے لوگ جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں جو کہ اس خطے پر رہتے تھے, یعنی کہ یہاں کے مقیم تھے. ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ کراچی مچھیروں کی بستی تھی اور یہاں پر تو بس واہ تباہی لوگ رہتے تھے, ایسا بالکل نہیں. یہاں پر کچھ لیبر طبقہ ایسا بھی تھا جو کہ خود بہت بڑے بڑے آرٹسٹوں پہ مشتمل تھا, اور روزگار نہ ہونے کی وجہ سے وہ کنورٹ ہو گئے اس لیبر میں جو آخر کار عمارتوں کے اوپر زینت آراستہ کرنے میں کام آئے. مگر ظاہر ہے ان لوگوں کا ذکر بھی بہت ضروری ہے اور یہ ہم بعد میں کریں گے. آغا احمد حسین جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا وہ کن کے کہنے پہ کیا؟ جی ہاں, یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. شیورتن چندرتن موہاتا. جی دوستوں, موہاتا پیلس ایک سر نیم کے اوپر ہے جو کہ پورا میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا. شیورتن چندرتن موہاتا, بیسیکلی اٹس اے سمر ہاؤس. موہاتا صاحب نے اپنے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے, یا یوں کہیں کہ جیسے لوگ اکثر فارم ہاؤسز بناتے ہیں, یا یوں کہیں کہ اپنے جس جگہ آپ رہتے ہیں اور اس جگہ سے دور ایک الگ مقام اپنے لیے تعمیر کرنا چاہتے ہیں, اس نظریے کے تحت یہ گھر بنوایا گیا جو کہ بیسیکلی گھر نہیں ہے, 18,500 یارڈز پہ, یعنی کہ 18,500 گز پہ بنی ہوئی ایک حویلی نما پیلس ہے. اور ان کا خیال کچھ یوں تھا کہ یہ جگہ سمندر کے بالکل سامنے ہے, تو یہاں پر اگر کوئی ایسی جگہ تعمیر کی جائے گی تو ان کی آخر وقت تک کی زندگی کے لیے بہت زبردست اور اچھی اینڈنگ کرے گی. مگر کسی کو زندگی اور حالات کا نہیں پتا ہوتا, اور شیورتن چندرتن موہاتا صاحب کو نہیں پتا تھا کہ 1947 میں, یعنی کہ 1947 میں یہ بڑے صغیر یعنی کہ ہندو پاک جو ہے اس کا ڈویژن ہونے والا ہے اور یہ جگہ پاکستان بننے والی ہے. اور تقریباً ایسا ہی ہوا, کیونکہ ہندو پاک کے اس ڈویژن کے بعد تقریباً 2 ڈیکیڈ یعنی کہ 2 دہائیوں کے بعد 20 سال کے بعد وہ اپنے گاؤں مارواڑ واپس چلے گئے. جب عشق کا سودا کیا پھر کیا گھبرانا. واہ واہ واہ, میں آپ کو سچ بتاؤں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو میں ڈھونڈتا رہ جاتا ہوں, کیونکہ کچھ عمارتیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ بخدا میں آپ کو سچ بتاؤں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو نثر کے بجائے کوئی گانا کمپوز کر کے اس لہن میں ان کی خوبصورتی پہنچا سکوں آپ تک. مگر ظاہر ہے یہ پروگرام جو ہے وہ فارمیٹڈ اس طرح ہے کہ آپ میری یہی زبان سمجھیں. واو, سپیچ لیس. موہاتا پیلس کی ہسٹری تو دوستوں شروع ہو چکی ہے, مگر اب آ جائیں ذرا خد و خال پہ اس کی. یہ ایک خوبصورت دور سے مٹیالا کچھ پنک کچھ مٹ کی کلر کا ملا جلا سا افیکٹ لیے ہوئے زبردست قلعہ نما محل
जो समंदर देखने आने जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, और डेफिनेटली बनाया भी यहाँ इसलिए गया कि समंदर के बहुत करीब है। इस जगह को ऐसी ईंट और पत्थर से तामीर किया गया है जिसका समंदरी हवा और तमाम मौसमों के जो गर्म सर्द असरात होते हैं उनका मुकाबला कर सके। महाता पैलेस को डिजाइन करते वक्त कुछ पुराने गॉथिक स्ट्रक्चर और डेफिनेटली कुछ राजस्थानी स्ट्रक्चर, 100% मुगल स्ट्रक्चर को दिमाग में रखा गया। अब जो ये विंडोज आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे पीछे, तीन पलड़ों वाली खिड़कियां, इनके बारे में अगर आप बगैर महाता पैलेस को देखे हुए कोई कमेंट करेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये मुगल दौर का कुछ नमूना है, मगर एक्चुअली ये 1927 में बना है, और जैसे कि मैंने कहा कि मुगल आर्किटेक्चर को जहन में रखते हुए बनाया गया है, उससे थोड़ा सा फर्क है क्योंकि इसको कुछ उस जमाने के असरात से भी आरास्ता किया गया। आइए जरा देखते हैं। तीनों खिड़कियों के नीचे तकरीबन 1 फुट बाय 2.5 फुट के छोटे मुंडेर हैं। मुंडेर से मतलब के बाहर निकले हुए नहीं है छज्जों की तरह, और खिड़कियों के नीचे जगहें जहां रोशनदान होते हैं निचले, उस जगह सीमेंटेड यानी कि कंक्रीट से वो जगह कवर्ड है। और याद रहे कि वही खूबसूरत पत्थर इसमें इस्तेमाल हुआ है जो जोधपुर से लाया जाता था और यहां गिजरी से निकाला जाता था। गिजरी लाइमस्टोन और जोधपुरी पिंक पत्थर से आरास्ता ये इमारत 4 मीनार रखती है। जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि मुगलिया दौर को जहन में रखते हुए वही 4 मीनार जिसको 6 साल का नदीम जाफरी अपने डैडी से कह रहा है कि ये डैडी ताजमहल तो नहीं है, ये बिल्कुल ताजमहल नहीं है, ना ही उससे मुमासलत रखता है। अलबत्ता इसकी बैरूनी जो आउटलुक है, जो उसका दूर से जो व्यू है, जो एंगल है, वो किसी ताजमहल जैसा है जो कि शायद राजस्थान में बना हो या शायद किसी ऐसे मुगल दौर में बना हो जहां पर के समंदर के पास की मट्टी और पत्थर इस्तेमाल किए गए। इस विंडो सेट यानी कि इस तीन पड़ों की खिड़की के ऊपर 4 खूबसूरत डिजाइनदार गोले हैं जैसे लट्टू होते हैं, वो आधे आधे दीवार के अंदर हैं और आधे बाहर हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। और उसके नीचे भी बड़ा खूबसूरत एक गॉथिक सा डिजाइन चल रहा है। मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि ये एक मिक्सचर है, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइम्स। और निचली जानेब बिल्कुल ठीक उसी जगह जहां ऊपर डिजाइन है, नीचे डिजाइन में बेजवी गोल किस्म के फूल बने हुए हैं, और उसके नीचे भी जहां ऊपर लट्टू हैं, नीचे 4 गोल लट्टू हैं जो कि दीवार से बाहर हैं। और खूबसूरती की बात यह है कि वो खूबसूरत ब्लाइंड्स, विंडो ब्लाइंड्स आप देखते हैं जो कि एक खास एंगल लगी हुई पलड़ियां होती हैं, वो उस दौर में भी मौजूद हैं, मगर खुलती हैं या नहीं खुलती हैं ये अंदर जाके पता लगेगा। उस दौर के हिंदू ज्योतिषी वास्तु शास्त्र को मानते हुए अक्सर अपने आर्किटेक्चर में एक खास किस्म का डिजाइन रखते थे। खैर ये बड़ी लंबी बहस है, देखने वाले इस मीनार को गौर से देखेंगे तो ये ऑक्टागोनल नजर आएगा और तकरीबन ऐसा ही है। 5 खिड़कियों पर मुश्तमिल तकरीबन 2.5 से 3 फ्लोर का ये जबरदस्त मीनारा, इसके साथ में खड़ा हुआ हूं, किस चीज पर मुश्तमिल है आइए देखते हैं। ये जो इसका बेस है, फाउंडेशन, इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, जोधपुरी पिंक पत्थर जो कि जोधपुर से मंगाया जाता था, जाहिर अपने नाम से आया है ये बात। और इसके ऊपर वो गिजरी लाइमस्टोन है जो कि हमारी धरती यानी कराची की पहचान है, और इसके नाम पर वो इलाका भी है गिजरी। और यकीनन एक ना एक दिन मैं आपको गिजरी भी लेके जाऊंगा और वहां की कुछ पुरानी इमारतों से आशना करवाऊंगा। इस पत्थर की खास बात क्या है? इस पत्थर की खास बात बेसिकली ये है कि ये जो समंदर की हवा है, देखिए अल्लाह ताला का कानून कितना जबरदस्त है, समंदर ही के पास कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो वहां की तमाम एनवायरमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए फायदेमंद है। अगर इस पत्थर का इस्तेमाल उन सी व्यू पे मौजूदा तमाम इमारतों में, उन फ्लैट्स में, उन घरों में किया जाए जो उस वक्त आप वहां तामीर शुदा देखते हैं और अक्सर बड़े मखदूश हालत में देखते हैं, तो यकीन कीजिए कि वो इसी तरह खड़े हुए होंगे जबरदस्त तरीके से, उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पत्थर वो ताकत रखता है कि समंदर की वो हवा जो बड़े से बड़े पत्थरों को छील देती है, उसमें छेद कर देती है, उन्हें झड़ा देती है, इन पत्थरों को नहीं झड़ा पाती, क्योंकि ये पत्थर इस जमीन में इसी जगह मौजूद है जहां ये साहिल समंदर है। वाओ, वो खिड़कियां जो आपको मैंने दिखाई
उनकी बिल्कुल रेप्लिका कुछ खिड़कियां इन मीनारों में भी मौजूद हैं। वो पांच खिड़कियां जो ऊपर हैं, उनके अलावा बिल्कुल वैसी ये खिड़कियां जो नीचे हैं, इनके ऊपर बड़े खूबसूरत रोशनदान जैसे बने हुए हैं, जो कि ऊपर की जानिब से छोटे हैं। बीच में ये खिड़कियां ब्लाइंड से बंद होती हैं, यानी कि ब्लाइंड्स के पलड़े हैं। और इन पर जो मुंडेरियां हैं उनमें लट्टू दो दो हैं। अलबत्ता जो इनके छोटे छोटे पिलर्स हैं, देखिए कितनी खूबसूरत, मैं कहता हूं ना कि मुझे गाना कंपोज करने को मिल जाए किसी ऐसी इमारत पर, तो मैं 10 मिनट लगाऊं और आपको अपने लहन से बताऊं कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं, और बखुदा मैं चाहता हूं ये आप भी ऐसे ही महसूस करें। मुझे नशा आ रहा है ये देख के, क्या बताऊं मैं आपको, ये नशा कोई वो नशा नहीं है, ये नशा वो नशा है जो किसी फन पारे को देख के आता है, कि मैं लहक रहा हूं और मैं चाहता हूं आप भी इसको उसी तरह देख के महसूस हो। दीवार से बाहर निकली हुई खूबसूरत ये एक पूरी डिजाइन है, जिसको कि तकरीबन आधा फुट दीवार से निकाला गया है, और जो पिलर्स हैं दोनों जानेब वो दीवार से सिर्फ निचली तरफ से और ऊपरी तरफ से अटैच्ड है, बीच में दीवार से टच नहीं हो रहे, और इसके ऊपर तक एक 1.5 से 2 फुट का छज्जा है और बीच में खिड़की है। वाह क्या बात। अहमद हुसैन आगा साहब को सलूट मारते हुए आइए आगे चलते। अक्सर लिविंग मॉन्यूमेंट्स के साथ कुछ और नए मॉन्यूमेंट्स ऐड होते चले जाते हैं, और ये देखा गया है मॉन्यूमेंट्स की तारीख में, और कई बार ऐसा भी हुआ कि वक्त के साथ साथ एक मॉन्यूमेंट्स के साथ चीज़ें ऐड होती गईं और आने वाले वक्तों के लिए वो सब कुछ एक कदीम यादगार बन गया। बिल्कुल इसी तरह मेरे अकब में जो एक ज़बरदस्त मार्बल का बहुत बड़ा सा टावर आप देख रहे हैं, ये गालिबन तीर है या तलवार है, ऊपर इसके चील मौजूद है, एक खूबसूरत मार्बल का मॉन्यूमेंट है जो कि मोहाटा पैलेस के अहाते में एक बड़ी खूबसूरत और मेन जगह पर मौजूद है। यह बनाया गया है हमारे मुल्क की मशहूर कौमी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में, और ये तकरीबन 2010 या 11 में यहाँ पर बनाया गया है। मगर एक अच्छी बात कि इसकी ब्यूटी को ऐड कर रहा है, हालांकि इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका कलर और इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर एक हसीन यादगार है जो कि आने वाले वक्तों में आज से 100 साल बाद जब कोई यहाँ ऐसा ही शो करने आएगा तो ये भी कराची की हसीन यादगारों में से एक यादगार बन चुका होगा। Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, go on. Chalo dildar chalo, chand ke paar chalo, hum hai tayyar chalo, oh, oh, oh. Ji haan, ye gaana jo maine dusra gaya hai, इसलिए गाया है कि ये इस इमारत के तमाम खदोखाद और इसके ज़माने से कुछ मुमासलत रखता है। मगर पहला गाना मैंने इसलिए गाया कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वापस से वो इस इमारत की हिस्ट्री का दूसरा हिस्सा है। शिवरतन चंद्रतन मोहाटा साहब के वापस मारवाड़ शिफ्ट होने के, जाहिर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुआ तो उस दौर में जो पहला कैपिटल था वो कराची था, और शिवरतन चंद्रतन मोहाटा साहब वापस चले गए। यहाँ पर जाहिर है हिंदू मुसलमान और ये बंटवारा, डेफिनेटली उन्होंने मुनासिब समझा कि वो अपनी जगह वापस चले जाएं, और न्यूली फॉर्म पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मिल्कियत हुई ये इमारत, और उस वक्त इसको इस्तेमाल किया जाता था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए, और अगर आपको याद हो तो कराची उस वक्त कैपिटल होता था। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, मगर फिर भी अगर मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथी देख रहे हैं तो उनकी याद
ध्यानी के लिए जरूरी है इसको रिपीट करना। जी दोस्तों, उसके बाद एक बड़ी खास बात है जो कि मोहाटा पैलेस से रिलेटेड है, वो क्या है। मोहाटा पैलेस हमारे कौम और मिल्लत के जनाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की छोटी बहन मोहतरमा फातिमा जिना, जिनको हम मादरे मिल्लत का खिताब देते हैं, उनके हिस्से में आई, यानी कि उनको दी गई। मोहतरमा फातिमा जिना को 1964 में, यानी कि 1964 में ये इमारत मिली, और इत्तफाक से कुदरती तौर पर 1967 में उनका जब इंतकाल हुआ तो ये इमारत उनकी बहन मोहतरमा शीरी बाई के नाम हुई, यानी कि उनके हिस्से में आई। अब ये किस तरह की चेंज ओवर्स हैं, इसमें कागजी कार्रवाइयाँ थी या नहीं थी या क्या था, ये मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि उसके बाद ये प्रॉपर्टी, यानी कि मोहतरमा फातिमा जिना के इंतकाल के बाद ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आ गई, जैसा कि अक्सर होता है, और दो जनरेशन्स में झगड़ा शुरू हो गया, यानी कि डिस्प्यूट हो गया कि इमारत किसकी है। ओह, कहाँ कहाँ से होती हुई आ रही है ये, एक हसीन माहपारा फनपारा किसी खूबसूरत जहन से तराशा हुआ, कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा, आइए ये कहानी का अगला हिस्सा था। मगर आप हमारे कराची मेंट्री की जो जान है, जो कि आप तक पहुंचती है हर एपिसोड में, उसकी तरफ आ, वाह 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 वाह, क्या बताऊं आपको, काश हजारों अल्फाज और बन जाएं, पैदा हो जाएं और मैं उन्हें इस्तेमाल करके ये कैफियत आप तक पहुंचा सकूं। ये एक महल नुमा खूबसूरत हवेली का बेसिकली पाई बाग दरवाजा है, जो कि अब मेन एंट्रेंस के बतौर यूज होता है। इसकी मेन एंट्रेंस पहले उस जानिब थी, मगर बाद में इसको मेन एंट्रेंस बना दिया गया, और ये दरवाज़ा जो कि बेसिकली कुछ अगर विजुलाइज करें थोड़ी देर के लिए कराची मेंट्री में, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द कुछ ऐसे विजुअल्स भी दिखाऊंगा, जैसा मैं बताने जा रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कुछ लोग आपको किसी विंडो में नज़र आ रहे होंगे, यानी कि हमारी स्क्रीन पर। आप सोचिए ज़रा, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ उस माहौल में। बड़ी बड़ी पोशाकें पीछे कनीज़ें पकड़े हुए, आगे महारानियाँ और महाराजा, और इन सीढ़ियों से नीचे पधार रहे, माजरत के साथ ये लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं आपको उसी समा में लेके जाना चाहता हूँ जब विंडो पार्क नहीं बना था, और यहाँ से होते हुए एक ऐसे खूबसूरत पाई बाग में आते हैं जो कि मुगल दौर तामीर का एक ज़बरदस्त नमूना है, और वो है ये चार बाग। इस जगह, इस खूबसूरत बड़े हिस्से में जो कि बेसिकली बैकयार्ड था और अब मेन एंट्रेंस है, बड़े बड़े चार गार्डन्स हैं, और उन चार गार्डन्स के बीच में वो फुवारा है जहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, जब मैंने कहा था पानी, क्या बात है, पानी से क्या क्या याद आ जाता है। और मुगल दौर को फॉलो करते हुए ये चार बाग उसी तरह आज तक मौजूद हैं, और उस दौर से जिस दौर तक भी ये आबाद रहा, यानी कि लोग रहते रहे यहाँ पे, इन बागों को उसी तरह इस्तेमाल करते रहे, शाम की चाय के लिए, कहवे के लिए, लोगों के मिलने मिलाने के लिए, तकरीबों के लिए। और आप यकीन करें, अगर इसका कोई एरियल व्यू आपको मैं दिखाऊं तो ये आइडेंटिकली बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि एक चौराहा है और चार सड़कें हैं, और उन सड़कों के बीच में चार बाग हैं। आइए ज़रा वापस चलते हैं सीढ़ियों की जानिब। इन सीढ़ियों के सामने जो दरवाज़ा है, जहां से अभी मैंने नीचे महारानियों और महाराजाओं को बुलाया था उस दौर की, मैं 1927 की बात कर रहा हूँ उस वक्त, और अब थोड़ी देर बाद वापस कहानी का तीसरा हिस्सा आएगा। उससे पहले के बीच में ये दरवाजे जब खुलते थे तो इनके अंदर बेहतरीन ज़बरदस्त फर्नीचर आरास्ता था, और यहाँ से एक लाउंज जैसी शक्ल, जो कि हम आपको अगली एपिसोड में दिखाएंगे, नमूदार होती थी, जहाँ से लोग बाज़ुकात पिछले दरवाजे से आने वाले इसको भी बतौर मेन एंट्रेंस इस्तेमाल करते रहे। ये दरवाजे, इनके ऊपर मौजूद है बिल्कुल इन्हीं की पैमाइश की तीन बड़ी खिड़कियाँ, इनकी चौड़ाई बिल्कुल एक बराबर है, और जाहिर है उनकी लंबाई कम है क्योंकि वो खिड़कियां हैं, और इन खिड़कियों में वैसी ही ब्लाइंड्स, ये पूरे मोहाटा पैलेस में एक डिजाइन है, चारों तरफ वही ब्लाइंड्स चल रही हैं, और चार चार पलड़ों की तीन खिड़कियां हैं। मगर खूबसूरत बात क्या है, जहां से 6 साल के नदीम दाफी को यह महल लगता था, ताजमहल, कि इन खिड़कियों के ऊपर जो मेहराबे हैं वो गोल हैं। आइए जरा देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात मेहराबें, यानी कि तीन गोल मेहराबें इस तरफ, तीन गोल मेहराबें इस तरफ, और बीच में एक नोकीली खूबसूरत मेहराब, मेहराब तो उसे नहीं कहेंगे, एक नोक कहेंगे, और उसके अंदर जो खिड़की है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा गोलाई में है, यानी कि
उस मेहराब और उस चौकूटे हिस्से के बीच में जो रोशनदान है उस पे जो लकड़ी का डिजाइन आवेजा है वो बिल्कुल उस मेहराब और तमाम शक्ल को एक जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है? क्योंकि उसकी जो नोक है वो मेहराब की नोक से मिल रही है और साइड में आप देख रहे हैं कि दो दर बने हुए बड़े खूबसूरत और उनके बीच में शीशा है। आइए जरा मुलाहिजा कीजिए, खिड़की एक चौखाने में मौजूद है और अगर इसको गौर से देखें और इस खिड़की के अंदर मौजूदा तमाम चीजों को थोड़ी देर के लिए हम खाली कर दें तो यह आपको टेरेस लगेगा, क्योंकि नीचे मुंडेरियां हैं तकरीबन 3-3 फुट ऊंची जैसे कि छत पे होती हैं और उसके ऊपर खिड़की आवेज है और बीच में दो बड़े पिलर्स हैं, बड़े हाकिमियाना शक्ल के पिलर्स। इस खिड़की के अंदर चौखानों में जो जगह दोनों तरफ ऊपर बची हुई है वहां पर जबरदस्त खूबसूरत जोधपुरी पत्थर से जबरदस्त ढाले हुए हाथों से, मतलब मैं जो बोल रहा हूं मैं उसको विजुलाइज भी कर रहा हूं, हाथों से ढाले हुए खूबसूरत फूल हैं जो कि बेसिकली कॉनकेव अंदाज में पीछे की तरफ गए। इसके नीचे एक छज्जा है जो कि पूरी फ्रंट पर है, यानी कि फ्रंट से मतलब जो इस जगह का पूरा डिजाइन है, बीच में तीन दरवाजे, इस जानेब एक पिलर, इस जानेब एक पिलर, उनमें दो खिड़कियां, उसको पूरा कवर किए हुए बेसिकली जो ये पूरा डिजाइन है इसके ऊपर एक छज्जे की लड़ी चल रही है, लड़ी से मतलब कॉन्टिन्यूशन में एक छज्जा है। वाओ, ये पूरा डिजाइन जो कि बेसिकली इसके बैकयार्ड का फ्रंट है यानी कि बैकयार्ड का मेन डेकोर है वो दो बड़े पिलर्स पे यानी कि दो बड़े कमरों जैसी चीजें जो ऊपर जा रही हैं उनमें भी दो दो खिड़कियां नज़्म है कि बीच में तीन दरवाजे और तीन खिड़कियां बीच में के ऊपर मबनी है, पूरे का पूरा कवर्ड है एक छज्जे से, तकरीबन 3.5 फुट का एक छज्जा। ब्यूटिफुल, वाओ, अगेन आई विल कम बैक टू व्हाट आई सेड कि काश मुझे वक्त मिले तो मैं आपको उन चीजों पर गाने कंपोज कर करके बताऊं। इस वक्त जो चीज मैंने नोटिस की है खास वापस इस दौर में आते हुए, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा थोड़ा उस दौर में चला गया था, आपको बताऊं कि इसका ख्याल बड़े बेहतरीन तरीके से रखा जा रहा है और एक खूबसूरत मच्छरदानी जैसी नेट से ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग कवर्ड है। काश ये ख्याल हमारे और मॉन्यूमेंट्स का भी रखा जाए, ऐसी ही तवज्जो उन पर भी दी जाए, क्या बात हो जाए, मजा आ जाए। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना जब यहाँ क़याम पज़ीर थी और वो एक बहुत कम अरसा था, उस दौर में इस इमारत को नाम दिया गया कसर फातिमा यानी कि फातिमा प्लेस। और जैसे कि मैंने आपसे इससे कबल तस्किरा किया कि डिस्प्यूट में पड़ने के बाद ये इमारत जो है वो बंद रही तकरीबन 15 साल, 15 से 18 साल बंद रही और उस दौर में बड़ा कुछ मशहूर हुआ यहाँ पर 1995 से पहले कि ये जगह सेब जदा है। जाहिर है इतना बड़ा किला नुमा जबरदस्त खूबसूरत महापारा जब झाड़ियों की और मट्टी और पत्थरों की नजर हो जाएगा तो उसकी शक्ल कितनी भयानक हो जाएगी सोचें। मगर बहर ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं था, ये जगह फन की खिदमत कर रही है आजकल। और दोस्तों, कमिंग बैक टू हिस्ट्री अगेन, उन 15 से 18 सालों के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वापस कंट्रोल लिया और इस जगह को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने खरीद लिया और 70 लाख रुपए लगाए गए जिनमें से 61 लाख रुपीज इस इमारत की लागत थी और बाकी के पैसे इसकी रेनोवेशन पे यानी कि इसकी चीज़ों को जो टूट गई थी और ख़राब हो गई थी वो ठीक करने में लगाए गए। ये मोहाटा पैलेस की अब तक की हिस्ट्री है और ये अभी जारी है। मेरे पीछे जो व्यू आप देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, इसके बारे में बहुत कुछ है अभी बताने और बहुत कुछ है। ये जो व्यू आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसके बारे में बहुत कुछ है अभी जानने को, इसके लिए हमारी अगली एपिसोड का जरूर वेट कीजिएगा। कुछ बातें आपको बताता चलूं कि इसके अंदर जैसे कि मैंने अर्ज किया कि आर्ट की खिदमत हो रही है 1995 से ऑनवर्ड्स अब तक, बड़ी बड़ी जबरदस्त एग्जीबिशंस लगती हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों का हाथ है इसके अंदर जिनकी एग्जीबिशंस यहां लगती हैं। और इसके अलावा इस इमारत के अंदर बेसमेंट है जहाँ स्विमिंग पूल था और ऊपर फ्लोर्स हैं
جن میں سے ایک خاص جگہ جہاں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں لے کے جاؤں گا میں, وہ ہے وہ چھت, وہ خوبصورت چھت جس پر دو مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اوور آل اس پہ چار مینار ہیں, اور بیچ میں وہ خوبصورت زبردست بادشاہوں کے کلام کرنے کی ایک زبردست منڈیری ہوتی ہے وہ بنی ہوئی ہے. ہمارا فیس بک ایڈریس اس لیے ہے کہ آپ اسے استعمال کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی, اس کے بارے میں آپ کو جو مزید جاننا چاہتے ہیں یا کچھ بتانا چاہتے ہیں, ڈو لیٹ می نو. ملوں گا آپ سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں, اور یہیں سے بات شروع ہوگی. میں یہی ہوں موہاٹا پیلس میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ملنے یہاں آ جائیں, میں اپنے گھر جاؤں گا اس کے بعد, مگر اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو یہیں ملوں گا. خدا حافظ کے ساتھ, ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. جب عشق کا سودا کیا رجا گھبرانا تم کو آنا پڑے گا, جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا, نبھانا پڑے گا.